हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का माय लिटिल टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, अपराजित में कितनी अच्छी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। हर लीफ नोट में ऐसे बंचेस में कली आ रही है और फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से प्लांट के हेल्दी होने का और अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ एकदम छोटे छोटे बातों का ध्यान दे तो बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग भी होगी और प्लांट इतना हेल्दी भी रहेगा, इतना बुशी भी रहेगा। तो सबसे पहले तो सभी प्लांट की तरह इस प्लांट को भी वेल्ड्रन मिट्टी बहुत पसंद है, तो वेल्ड्रन मिट्टी रखना बहुत ज़रूरी है। वेल्ड्रन मिट्टी हो तो प्लांट बिल्कुल खुश रहता है, इसकी जड़ें खुश रहेगी, और जब इसकी जड़ें खुश रहेगी तो प्लांट भी खुश रहेगा। तो सबसे पहले तो वेल्ड्रन मिट्टी रखें। उसके बाद फ्रेंड मिट्टी, इस प्लांट को गीली मिट्टी पसंद है। मिट्टी अगर सूख जाती है तो प्लांट शॉक में आ जाता है, इसकी पत्तियाँ मुरझाने से सूखने से लगती है। तो वेल्ड्रन मिट्टी के साथ साथ गीली मिट्टी इस प्लांट को बहुत पसंद है। उसके बाद तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस प्लांट को धूप अच्छी चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे के सनलाइट इस प्लांट को चाहिए ही चाहिए। अच्छी इस तरह से हैवी फ्लावरिंग करने के लिए, प्लांट के मतलब हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा धूप ज़रूरी है। तो इस प्लांट को अच्छी खासी धूप चाहिए, 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए, और उससे अधिक धूप हो तो बहुत अच्छा है। तो धूप की रिक्वायरमेंट इस प्लांट की सबसे अधिक होती है। जितनी अच्छी धूप में रखेंगे और गीली मिट्टी रखेंगे और वेल्ड्रन मिट्टी रखेंगे तो प्लांट बहुत खुश रहेगा। और प्रोपगेशन तो इसके, अभी तो बारिश का सीज़न चल रहा है फ्रेंड, तो इसके कटिंग से बहुत आसानी से इसका प्रोपगेशन भी हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे फल्ली जैसे बीज सीड पॉट बनते हैं, तो उसके सीड्स को लगाएंगे तो भी प्रोपगेशन हो जाएगा। और इस प्लांट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेरिनियल प्लांट है। एक बार अगर इस प्लांट को लगाएंगे तो काफ़ी सालों तक वही प्लांट रहता है। देखिए, हमारा ये वाला प्लांट 2 साल से अधिक हो गया है। हम मतलब सर्दी में इसकी थोड़ी कटिंग कर देते हैं, और धीरे धीरे जैसे सर्दी ख़त्म होने लगती है, गर्मी आने लगती है, तो थोड़ा सा प्लांट अच्छा होने लगता है। उसके बाद फिर जब बारिश का सीज़न आता है तो प्लांट का ग्रोथ एकदम बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो इस प्लांट को बारिश में बहुत अच्छी इस प्लांट की ग्रोथ भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है। बारिश से लेके नवंबर दिसंबर तक हैवी फ्लावरिंग होती है। तो बस हैवी फ्लावरिंग के लिए इन 3 बेसिक बातों का तो ध्यान रखना ही है। अच्छी वेल्ड्रन मिट्टी हो, धूप अच्छी मिले, और गीली मिट्टी हो। उसके बाद फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट है खाद। इन सब के बाद खाद की भी बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ती है। तो गमले में लगाए, ऐसे में ज़मीन में लगाए तो खाद ना दे तो भी चलता है, तो गमले में थोड़ा खाद देना पड़ता है। तो सबसे अच्छा तो फ्रेंड गोबर की खाद ही है। हम तो हमेशा गोबर की खाद ही यूज़ करते हैं, तो गोबर की खाद एकदम फुल्ली डिकम्पोज गोबर की खाद होनी चाहिए। कच्ची गोबर की खाद बिल्कुल ना दें, नहीं तो प्लांट में रूट रॉट हो जाएगा, क्योंकि फंगस लग जाएगा, फिर रूट रॉट की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, प्लांट ख़राब हो जाएगा। अगर डिकम्पोज गोबर की खाद हो तो वो दें, नहीं तो वर्मी कम्पोज, बस उसके साथ आप बनाना पिल का जो फर्टिलाइज़र है, हम हमेशा ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करते हैं, तो बनाना पिल का फर्टिलाइज़र भी आप चाहे तो दे सकते हैं। उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, तो बनाना पिल में पोटेशियम सबसे अच्छा मात्रा में होता है, तो इस प्लांट को बहुत अधिक पसंद है। तो बनाना पिल का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और आप चाहे तो सीवीड भी दे सकते हैं। तो आजकल हम प्लांट्स में सीवीड देते हैं, जो कि समुद्री घास जिसको बोलते हैं समुद्री शैवाल, वो भी बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। तो बस हम तो बस यही खाद देते हैं फ्रेंड, कभी कभी बनाना पिल का फर्टिलाइज़र दे देते हैं, नहीं तो गोबर की खाद ही हमेशा देते हैं इस प्लांट को। तो उसी से ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है। अगर कुछ भी कुछ भी बनाना पिल नहीं देना, दूसरी खाद नहीं देनी, सीवीट नहीं देना, तो बस अच्छी डिकम्पोज गोबर की खाद दे, और नहीं तो फिर वर्मी कम्पोज दे बस, क्योंकि हमेशा हर खाद अवेलेबल नहीं रहता है। तो सबसे अच्छा खाद तो गोबर की खाद है और वर्मी कम्पोज इस प्लांट के लिए। और ये प्लांट बहुत अच्छा शुभ प्लांट भी माना जाता है। एक बार गार्डन में आए तो कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि इसके बीज से तो प्रोपोगेशन होता है, न्यू प्लांट्स बनते ही है। और इस प्लांट की जब बारिश का मतलब फूल देने का सीज़न ख़त्म हो जाए नवंबर दिसंबर में, थोड़ा कटिंग करके रख दे, कटिंग कर ले, तो फिर धीरे धीरे जब बारिश आने लगती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, तो प्लांट फिर से ऐसा सुंदर सा रूप ले लेता है। तो बस ये छोटा सा
वीडियो आप सभी से शेयर कर रहे थे कि अपराजिता के प्लांट जो कि शुभ प्लांट हैं, देवी माँ को भी चढ़ाया जाता है। शिव जी का तो प्रिय फ्लावर है ही है, उसके बाद विष्णु भगवान का भी प्रिय फ्लावर है, बहुत ही अच्छा शुभ फूल है। तो नाम ही इसका इतना अच्छा, अपराजिता, जिसको कि कोई पराजित ना कर पाए, तो इतना अच्छा फूल है। तो इस प्लांट को क्यों ना गार्डन में शामिल करें, साथ ही साथ औषधि गुणों से भरपूर है। और इसकी टी बनती है, इसकी चाय तो हम पीते ही है हमेशा, बहुत अच्छी चाय बनती है इसकी, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत भरपूर मात्रा में रहता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। बस इसके फ्लावरिंग के लिए 3-4 चीज़ों का ही ध्यान दें कि अच्छी गीली मिट्टी रखें, अच्छे धूप का ख्याल रखें, और खाद गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट प्लांट को बहुत अधिक पसंद है, और वेल्डन मिट्टी हो, बस सबसे अच्छा फ्लावरिंग इस प्लांट में करेगा अगर इन सब बातों का ध्यान दे। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और नए फ्रेंड है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।